कौन सी ऐसी बात है, छुपा क्यों रहे हो? कोई कैसे दुल्हन है क्या? क्या है वो ऐसी जो छुपाया है तुमने, उसको बाहर निकालो। ऐसा क्यों छुपा के क्यों रखा है? हम तो सिर्फ सुना है कि, हमने तो यही सुना था सारी जिंदगी के लोग गुनाह छुपाते हैं अपना। फिर बात सुनो, हमने तो सारी जिंदगी सुना लोग अपना गुनाह छुपाते हैं, ठीक है? लोग अगर के किसी के हराम की औलाद हो तो वो बाहर फेंक देते हैं। ये तुम्हारा इमाम कौन सा है जिसको तुम छुपाते हो? खान, लोग अपना गुनाह छुपाते हैं। तो बात तो सुनवाओ ना, उसकी बात सुनवा दो ना, खत्म हो जाएगा सारा मामला भी। अगर हाजिर है तो बात सुनवाओ। लोग अपने गुनाह छुपाते हैं, लोग अपने हराम की औलाद छुपाते हैं, ये हलाल का इमाम है तो सुनवाओ आवाज इसकी। लोग हराम छुपाते हैं, तुम हलाल हो तो सुनाओ। तुम्हारा इमाम हलाल का, आवाज सुनवाओ उसकी। तुम बोलते हो हाजिर है, हाजिर की आवाज सुनवाओ। किसी और के बारे में बोल रहा हूँ? नहीं, मैं आखान का वो पूरे बाल वाले के बारे में बोल रहा हूँ। नहीं, अमेरिका में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपका इमाम फ्रांस में रहता है, वो भी हराम है? तो आपका इमाम फ्रांस में रहता है? देखा, गले पड़ गया ना, गले पड़ गया ना खुद ही आगे। इमाम फ्रांस में रहता है, इमाम फरास में रहता है, वो भी हराम है? सोच के बोला करो। सो इसीलिए बोलते हैं पहले तोलो फिर बोलो। भाई अच्छा, तो इमाम हराम है आपका? मेरा तो कोई इमाम नहीं, मेरा तो कोई इमाम नहीं, मैं तो किसी इमाम को नहीं मानता। मैंने तो ये कहा, मैंने बोला भाई कि कौन सा ऐसा गुनाह। देखो, मैंने आपको मिसाल दी है, मैंने आपको मिसाल दी है ना, लोग अपने गुनाह छुपाते हैं, तुम्हारा इमाम है, तुम छुपा रहे हो बार बार, मेरे लिए है, मेरे लिए। ऐसा कौन सा गुनाह है जिसको तुम छुपा रहे हो? किसका गुनाह है जो छुपा रहे हो? सामने लाओ उसको। छुपा क्यों रहे हो? क्यों छुपा रहे? अरे क्यों छुपा रहे? मुझे पूछो तो पूछ लो, चलो तुम पूछ लो मुझसे, क्या पूछना चाह रहे हो? मैं तुम्हारा इमाम मुस्लिम मुल्क में है? तुम्हारा इमाम मुस्लिम मुल्क में है? तुम्हारा इमाम मुसलमान मुल्क में है? तो अथवा भाई, मैंने आपको दलील दी, आपका इमाम मुसलमान मुल्क में रहता है? आपका इमाम मुसलमान मुल्क में रहता है? आपका दोस्त, आपका आपका इमाम मुसलमान मुल्क में रहता है? किसकी किसकी माँ का ये जिक्र कर रहे हैं? इमाम की माँ का नाम बताओ। चलो आप शर्त लगाओ, आपको नहीं पता होगा। इमाम की माँ का नाम क्या है? अच्छा, इमाम की माँ का नाम क्या है? चलो इमाम की माँ का नाम बताओ। चलो देख, चलो ना, चलो गलत बात नहीं करते। देखो वो तो मुझे गाली दे रहा है, मैंने जवाब में गाली नहीं दी। देखो खान, उसने मुझे कितनी गंदी, ना 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 ना। यार तुम बार बार बंद करके भाग जाते हो, बार बार बंद करके भागा नहीं करो यार, भागा नहीं करो, भागा नहीं करो। बाग पहले चैलेंज किया ना, चैलेंज तुम्हारे आदमी करता है कि उधर यू आओ मैं बात करूंगा, ये आओ मैं बात करूंगा, मैं यू बात करूंगा, ये बात करूंगा, मुझसे बात करके देखो। पहले बड़ी बड़ी बड़के मारते हो सुल्तान राय की तरह, फिर बाद में भागते हो दामन छुड़ा के। इमाम से, इमाम की आवाज तो सुनवा दो। चलो छोड़ो ना, झगड़ा नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, इमाम की बात सुनो। बस छोड़ यार, आपसे बात करनी फजूल हो गई ना ये। चलो फरमान सुनो, फरमान, इमाम का फरमान सुनो। क्या करना है आपने? फरमान सुनाओ ना, तुमने इतनी दूर मुझे चैलेंज किया, इतनी बढ़ के मारी है, कोई ना कोई तो होगा ना इमाम की बात तुम्हारे पास अच्छी। चलो इमाम की, इमाम का फरमान सुनाओ, मैं सुनता हूँ बैठ के, वादा। बस नहीं यार, चलो मैं चुप होकर सुनता हूँ ना। चलो इमाम का फरमान सुनाओ, खबर हो रहा। मैं सीधा हूँ, बाकी सारे टेढ़े हैं। अरे चलो इमाम का फरमान तो सुनाओ, उसमें शर्माने की क्या बात है? तुम्हारा तुम्हारे इमाम हाजिर है, वहीं बैठा है, वह खुश होगा तुम्हारी बात सुन के। जो वहां बैठा है तुम्हारा इमाम अभी, वो खुश होगा तुमने कितनी फरमान सुनाओ। और वो अच्छा बात सुनो, खबरों वाला सही है, उसमें से कौन सीधा है? आप सबसे सीधे हो ना। सीधा छोड़ो, देखो एक बात बताऊं मैं तुमको, ठीक है? सीधे हो ना, आप ये बताऊं। हाँ मैं बिल्कुल सीधा हूँ। वाह
बस आप अपने लिए सीधे हो, मैं अपने लिए सीधा हूँ, अच्छा एक बात तो सुनो, होता चलो एक बात तो है सुन लो, ना। आखिरी बात सुन लो, चलो बुरी बात, अच्छा नाराज नहीं हो, नाराज तुम नाराज नहीं होगे मुझे, नाराज क्यों हो रहे हो यार, भाग क्यों रहे हो, ऐसा कैसी कौन सी बात, तुम लोग नाराज, तुम लोग भागना क्यों शुरू कर देते हो यार, मैंने तो अभी बात भी नहीं की उस। सीधे हो ना, हमें अच्छा एक बात तो सुन लो मेरी, चलो एक बात तो सुन, एक बात सुन लेना भाई, गलत बात नहीं करा, सिर्फ बात सुन लो, एक बात सुन लो, 2 मिनट की बात है, फिर चले जाना, ठीक है, फिर चले जाना, फिर कॉल भी नहीं करूंगा मैं तुम्हें। इंशाल्लाह। अभी आपका भाई ने मुझे गाली दिया ना, माँ का दिया ना, देखा ये गाली दे रहा है ना, अभी आप बोलते हैं आपका इमाम हाजिर है, आपका हाजिर इमाम को मना नहीं कर रहा कि गंदी गालियां मत दो, इमाम के सामने वो माँ बहन की गालियां दे रहा है, मैं तो अपने बाप के सामने गाली कभी नहीं देता किसी को, मैं अपनी माँ बाप के सामने कभी गंदी गाली किसी को नहीं दूंगा, वो तो आपका इमाम हाजिर है, तुम्हारे इमाम उसको मना भी नहीं कर रहा, उसको गालियां दे रहा है वो इमाम के सामने गंदी गंदी, मेरी माँ को जिसको वो तुम जानते भी नहीं हो, सही बात है, ये 5 उंगलियां बराबर है आपके, तो वो शैतान का बच्चा है जो गालियां दे रहा है पीछे, पांच उंगलियां बराबर है आपके, तो भाई वो आदमी जो है इमाम तुम्हारा बैठा है ना, इमाम मना सही नहीं कर रहा बात, उसको, वो तो 5 उंगलियां बराबर ही नहीं हो, लेकिन तुम्हारा इमाम मना क्यों नहीं कर रहा उसको, सही है, बस इतनी सी बात थी आपसे, तो इमाम इमाम मना नहीं कर रहा उसको, इमाम ने मना किया, इमाम ने मना किया या नहीं किया उसको, आप सीधे हो, इमाम ने मना किया वो जो गालियां दे रहा है उसको, आप सीधे हो, आप सीधे हो, तुम लोग बाथरूम जाते हो वहां इमाम तुम्हारा मौजूद होता है या नहीं होता ये बताओ, तुम लोग बाथरूम में भी इमाम होता है या नहीं होता, अगर इमाम हाजिर हो तो बाथरूम में होता है भाई, तो तुम लोग बाथरूम जाते हो तो इमाम हाजिर वहां भी होता होगा ना, या बाथरूम नहीं आता इमाम, ओ भाई जब इमाम तुम ये गालियां दे रहा है, तुम लोग शराबे पीते हो, जब जिना करते हो, चरस पीते हो, तुम्हारे इमाम वहां हाजिर होता है, वहां बैठ के देख रहा, चस्के ले रहा होता है वो, आप सही बताओ बात कह ना, रहे हैं, अब आपके मुझे बताओ, भाई तुम बहुत जब सही बाथरूम जाते हो तुम्हारा इमाम वहां बैठा होता है, बस हमें जन्नत मिलने वाली है, वही टिकट ली और धमाका कर दिया, उड़ा दिया, यही काम है वो ना, तो ठीक है, लेकिन जब आप बाथरूम जाते हो तो आपका इमाम जो है वहां बैठा होता है नहीं होता, मान लिया ना आपने, मान इमाम होता है बाथरूम में नहीं होता, लिया नहीं, मान लिया आपने, आप क्या मान लिया, क्या मनवाना चाह रहे, चलो चलो मैं मान लेता, क्या बस जन्नत का टिकट देता है, बोलना तो बोलना दो उसको, कोई बात नहीं, बोलना दो उसको, बोलना दो कोई बात नहीं है, मेरे गुना नहीं मेरे मेरे तो मेरे बात सुनो, किस तरह बात करनी करने दो चाहिए, ना, कोई बात नहीं, तुम्हारा इमाम जब मना नहीं कर रहा तुम करो तो मना करने वाले, पहले इमाम को मना करना चाहिए, इमाम मना ही नहीं कर रहा उसको, वहां तुम बोलते हो हाजिर है वहीं बैठा हुआ इमाम तुम्हारा, तुमने बताया अभी तुम्हारा इमाम वहां पर है, जो तुम्हारा इमाम मना नहीं कर रहा तुम क्यों मना कर रहे हो, जिस चीज से तुम्हारा इमाम नहीं रोकता तुम क्यों रोकता है, क्या जब तुम्हारे इमाम ने उसको छुट्टी दी हुई है गालियां देने की तो देना दो, जब तुम्हारे इमाम ने उसको इजाजत दी है गाली देने की तो देना दो ना नहीं कि आपको कौन दे रहा है, आप किसको मान रहे हो, भाई, तुम्हारा इमाम रोक रहा है वहां बैठा हुआ उसको, नहीं आ रहा, एक इंसान की कत्ल और पूरी इंसानियत की कत्ल के बराबर है, ठीक है आप तो पूरे टीम को कत्ल कर रहे हो, ठीक है ठीक है, हैं बिल्कुल ठीक है, इंसान का कत्ल बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है, आप ना एक काम करो ना, आप सीधे चलो, किसी को बुरा भला नहीं करो, ठीक ठीक है, है, एक इंसान की बात करो बस, खलास, किसकी, कोई एक बात इंसान की बात करूं, मैं इंसान की बात कैसे करूं यार, इंसान की इबादत मैं नहीं कर सकता हूं यार, गलत बात नहीं करूं ना, बात देखा तुमने क्या बोला, एक इंसान की इबादत करो, अभी इंसान की इबादत क्या कैसे करूं, इंसान की इबादत तुम लोग कर रहे हो ना, मैं इंसान की इबादत तो नहीं कर सकता हूं ना, क्या तो इंसान की इबादत कैसे कर लूं, आपकी अपनी मर्जी भाई, जो करना है आपको तो करना, बोलो एक इंसान की इबादत करो, मैं एक इंसान की इबादत करो, सही बात है ना, एक इंसान की कैसे इबादत करो, दुनिया में तो आपको जन्नत मिलती है, तो आखिरत, आपको आखिरत का सोचते ही नहीं हो आप लोग, तो आखिरत इंसान की इबादत करने से मिलती है, आखिरत का सोचते भी नहीं, नहीं एक इंसान की इंसान मदद करना, यही सबसे बड़ी बात, यही करने की कदर करना, अशरफ उल मखलूकात की कदर करना, अशरफुल मखलूक, चलो एक एक बात बताओ मुझे, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ ठीक है, कितनी देर से तुमसे गाली भी दी सब कुछ कर लिया, एक बात तो बताओ ना, भागना नहीं है अभी, तो बताओ, तुम चैलेंज किया तुम लोगों ने, ये बात सुनो, ये गैरत पकड़ो थोड़ी सी, गैरत करो कि उसने चैलेंज किया है मुझे, ठीक है, मैंने नहीं चैलेंज किया, उसने चैलेंज किया ना, हाँ चैलेंज किया, भागना नहीं, गैरत पकड़ो थोड़ी सी, वो तो खैर, लेकिन शायद इस्माइलियों में कोई गैरत नाम की चीज होती नहीं है, लेकिन एक बात तो होगी तुम्हारे अंदर, अकल तो है ना, अकल है, अकल है, अकल है,
गैरतमंद वो टिकट मिलता है फिर आप गैरत मारते हो, उससे पहले अकल गैरत है। नहीं आते। सही है हाँ इमाम का नूर कहाँ है ये बताओ। भाई साहब, आपको टिकट मिलता है नहीं मिलता ये बताओ। मुझे टिकट किस चीज का टिकट का पूछ रहा हूँ? जन्नत का टिकट तो आप लोगों को दुनिया में मिल रहा है, आप लोगों को, कौन जन्नत में जाओगे फिर आप लोगों को लोगों क्या मतलब है आपसे मुराद? चलो को चलो मस्जिद में करो, कौन सा ये ठीक इंसानियत है है, मस्जिद में धर्म ठीक का करना, ठीक कौन है ये, कौन सा मुसलमान है नहीं है मुसलमान। जो मस्जिद में धमाका करता मुसलमान नहीं होता। आजकल कर रहे, कौन है फिर पता नहीं कौन, मुसलमान तो और नहीं क्या, है। जो मस्जिद में धमाका यही करता मुसलमान नहीं है। क्यों नहीं यार, आप लोग क्यों ही करते नहीं हो। आप लोग करते हो भाई? जब मैं कह रहा हूँ जो करता है मुसलमान नहीं होता मस्जिद में धमाका, लानत उस पे 1000 दफा अल्लाह की, जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में हाँ जाएगा, बर्बाद होगा। चलो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बर्बाद होगा। जो जो मस्जिद में धमाका करेगा, जो जो जिस जो जो बेगुनाह लोगों का कत्ल करेगा, जिसने औरतों और बच्चों बेगुनाहों को कत्ल किया, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। और अगर वो सोचता है कि वो इंशाल्लाह जन्नत जन्नत में जाएगा, उस पर लानत 1000 दफा। आप सीधे हो ना तो सब चीज दुनिया सीधी आपके साथ। सही है, अगर आप टेढ़े हो, आप किसी पे तंकीद करते हो, किसी के लिए बुरा भला सोचते हो, तो आप जन्नत नहीं है दुनिया में। आप सीधे काम करोगे आखिरत में अजर मिलेगा। नहीं लेकिन बात तो यह है कि अगर दुनिया में आदमी, तुम्हारा तो इमाम गुना माफ कर देता है ना दुनिया में, नहीं करता है? बस एक बंदा बोल रहा है कि आखिरत गुना में माफ तो होते हैं जन्नत तुम्हारे जमात खाने में या नहीं होते हैं? नहीं जाते, क्योंकि गुना टिकट माफ मिलता होते हैं या है। नहीं होते जमात खाने में? यार छोड़ो, वो जमात खाने में गुना माफ होते हैं या नहीं होते? डरते क्यों बात करते हुए? सच बोलते हुए जबान कर, एक बार बुरा सच करता बोलते, है वो सच बोलते हुए जबान तुम्हारी थरथराती है ना? करता है, वो बार बार करता है ना, उसको माफ नहीं होता है। सही अच्छा तो किस है, कितनी बार माफ होता है? एक बार गलती करे इंसान से माफ हाँ होता है, अल्लाह ताला माफ कर उसका देता है उसका उसको। तरीका, जमात खाने में क्या तरीका है गुनाह माफ करवाने का? ये लोग धमाके कर रहे हैं, खबर हो रहा ना, क्या होगा यार। सबर करो। जमात खाने में गुनाह माफ कराने का क्या तरीका है? आप जाके मस्जिद में जैसे नमाज पढ़ते हो ना, वैसे नमाज पढ़ो और अपने लिए सीधे रास्ते पे जाएगा। आपसे सवाल कर रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब दाल में कुछ काला है या दाल काली है आपकी? आपके दाढ़ी में कुछ तिनका भी मुझे नजर आ रहा है जन्नत का। बिल्कुल हो सकता है, मुमकिन हो, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जमात खाने क्या में तरीका क्या है साफ गुनाह माफ करवाने का? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे इस बात का मुझे? क्यों घबरा रहे हो? घबरा क्यों रहे हो? जमात खाने में गुनाह माफ कराने का क्या तरीका है? इसमें घबराने की बात क्या है? अगर तुम्हारी इबादत है उसका जवाब दो खुल के, इसमें डरने की बात क्या है? जाके यार अकलमंद आदमी, अगर अगर अंदर जमात खाने में गुनाह माफ होता है या नहीं होता? चलो चलो इतनी बात कर दो, क्या जमात खाने में गुनाह माफ होते हैं? अभी भी तो सुधर जाओ, तारी में अभी भी क्या जमात खाने में गुनाह माफ होते हैं या नहीं होते? दिल से दुआ मांगा करो, बस ऐसी टाइम नहीं दोगे पास जवाब? है। नहीं सही दोगे जवाब? नहीं दोगे? चैलेंज क्यों करते हो जब तुम्हारे है, पास? देखो जमात खाने में गुनाह माफ होते हैं या नहीं होते? ना, जन्नत का टिकट मिलता नहीं मिलता है। किसको जन्नत का टिकट मिलता है? चलो मुझसे सवाल करो, मैं दे दूंगा जवाब। किसको जन्नत का टिकट मिलता है? कैसे? पूछो क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो ना कि जन्नत में जाओगे इधर जाके ये मैंने तो कमाओगे, नहीं कहा जन्नत में जाओगे। मैंने कब कहा जन्नत में जाओगे? वो तो आप कह रहे हो। मैंने कब कहा है? मैंने कब कहा कि जन्नत में जाओगे? यार ये सब कुछ चल रहा है इधर। सही है, ये सब कुछ चल रहा है इधर? क्या चल रहा है? खुल के बात करो, क्या चल रहा है पाकिस्तान में, क्या हो रहा है, पाकिस्तान में? यही क्या चल रहा है, क्या चल रहा है पाकिस्तान में? जन्नत का टिकट दे रहे, बोलने की अभी उसको शऊर ही नहीं है, उसको बोलते हैं जन्नत में जाओगे, उधर ठीक। जाके कितने बंदों के दम। आपका मेरा इख्तलाफ जन्नत के टिकट पर है या इमाम के ऊपर है? बस आप आपका मेरा इख्तलाफ किस बात पर है? मैं मुस्लिम मानता हूँ अपने आपको। आप तो मानते हो मुस्लिम, लेकिन मेरा और आपका इख्तलाफ जो है वो किसी ना किसी चीज पर इख्तलाफ है मेरा और आपका, है या नहीं है? सही है, जो मुस्लिम मुस्लिम होता है ना, सबसे पहले अल्लाह उसके बाद में बाप। ठीक है, ठीक है, तो आपका और मेरा इख्तलाफ किसी बात पर तो है या किसी बात पे भी इख्तलाफ नहीं है हमारा? कितने भी इख्तलाफ कर रहा हूँ ना इधर, अच्छा आपका मेरा इख्तलाफ किस बात पर है? यही जन्नत का टिकट है। और किसी बात पे आपका मेरा इख्तलाफ नहीं है? सबसे बड़ी बात ये कि जन्नत का टिकट है, दुनिया में जन्नत का टिकट मिल रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हमारा और आपका इख्तलाफ किसी और बात पर नहीं है, राइट? ये यहाँ हमें और आप एग्री हो गए, ठीक है ना?
जन्नत की टिकट की फैसला हो जाए ना, मैं बोलता हूँ सब कुछ छोड़ दूंगा। सब कुछ छोड़ दो, जन्नत का टिकट का फैसला। कौन सा जन्नत का टिकट की बात करो, समझाओ जरा सा मुझे क्या कह रहे हो।